अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम आखिरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इन्वेंट्री के हवाले से कि इन्वेंट्री की जो रिपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। डिस्प्ले में आते हैं और डिस्प्ले में यहाँ पर आपको नजर आती है इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। सबसे पहले स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम पर क्लिक करें। जितने आपके पास स्टॉक आइटम्स क्रिएटेड होंगे वो सबके लिस्ट शो कर देगा। किसी की भी डिटेल जान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं सेकंड ईयर अकाउंटिंग की डिटेल जानना चाहता हूँ। इसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस मैंने इसके अंदर किए, तो मैं आपको इसी के चीज़ इसी की डिटेल शो करता हूँ। सेकंड ईयर अकाउंटिंग की बुक शो करते हैं और ये रिकॉर्ड शो रहा है कि एक पीस था आपके पास साल के शुरू में, उसके बाद एक पीस ही रहा, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी रही, 200 रुपये रही। उसके बाद ट्रांजेक्शन का वो इसके अंदर अगस्त के महीने में ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, और ड्यूरिंग द पीरियड कोई ट्रांजेक्शन इसके अंदर नहीं हुई। अगस्त के अंदर इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है इसके डिटेल जानने के लिए इसको इंटर कीजिए, वो आपको डिटेल शो कर देगा। ये मैं इंटर कर देता हूँ, ये उसने आपको पूरी अगस्त की, अच्छा डेट चेक कर लीजिएगा कि ये 1 अगस्त से 31 अगस्त तक की डिटेल शो कर रहा है। आप यहाँ पर डिटेल इसको सॉरी इसका पीरियड चेंज करना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास इससे पहले कुछ था नहीं। बहरहाल अगर आप डिटेल चेक करते हैं पीरियड के हिसाब से, 1 जनवरी कर दीजिए इसको, क्योंकि हमारे पास शुरू में एक बुक थी 1 अगस्त 2021 और 31 अगस्त 2021। ये पूरी डिटेल शो हो रही है कि ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितने यूनिट्स थे, फिर कितने 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 आए, ये डिटेल जानना चाहिए, डिटेल शो हो रही है उसकी, ठीक है जी। कंडेंस कर दीजिए इसको, मुख्तसर कर दीजिए, मुख्तसर शो हो रहा है कि किस वक्त आपने कौन सा वाउचर बनाया आपने इन्वेंट्री के लिए, यानी कितनी इन्वेंट्री आपके पास आई है, कितनी इन्वेंट्री आपके पास से गई है, सब रिकॉर्ड शो हो रहा है। और आपके पास वो बता रहा है कि इस वक्त आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री इस वक्त आपके पास मौजूद है। 3 पीसेस आपके पास बचे, 20 बुक्स आपके पास टोटल आई हैं, 17 बुक्स आपके पास से गई हैं टोटल पूरे पीरियड में, और आपके पास इस वक्त बची हैं 3 बुक्स बची हैं टोटल, ठीक है जी। तो ये आपके पास इन्वेंट्री शो हो रही है किसी भी हवाले से, किसकी इन्वेंट्री शो हो रही है आपको। इसको ऑल्टर करना चाहते हैं आप, इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं इसके अंदर चेंजेस कर दीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है भाई, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। वापस आते हैं, किसी भी इन्वेंट्री को आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप समरी, ग्रुप समरी पे अगर आप जाएँ तो इसमें आपको जाना पड़ेगा प्राइमरी पे, प्राइमरी पे क्लिक कीजिए तो ये आपको वही शो कर रहा है, क्योंकि हमने कोई ग्रुप नहीं बनाए थे। अगर हमने कोई ग्रुप बनाए होते तो वो हमारे पास ग्रुप की डिटेल शो करता। आपको याद होगा कि हमने कोई ग्रुप्स नहीं बनाए थे, हमने कैटेगरीज बनाई थी, तो कैटेगरी का रिकॉर्ड यहाँ पर शो नहीं होता, यहाँ पर ग्रुप्स का रिकॉर्ड शो होता। अच्छा, सेल्स ऑर्डर बुक, आपको याद होगा मैंने आपको सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर पढ़ाया था, तो ये उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सेल्स ऑर्डर बुक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने सेल्स ऑर्डर आपने क्रिएट किए होंगे वो सब यहाँ पे शो कर देगा कि आपने अब तक एक सेल्स ऑर्डर जो है वो बनाया था। इसकी डिटेल जानेंगे, इसको इंटर कर दीजिए, आपको रिकॉर्ड शो कर देगा कि आपने सेल्स ऑर्डर कब बनाया था, किस हवाले से बनाया था, ठीक है जी। इसी तरीके से परचेज ऑर्डर बुक क्या शो करेगी कि आपने परचेज ऑर्डर कब बनाया था, 2 परचेज ऑर्डर आपने बनाए हैं, ये उन दोनों की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है भाई। इसके बाद है स्टॉक ट्रांसफ़र बुक, कि आपने स्टॉक कब किसको कहाँ ट्रांसफ़र किया, यानी कि स्टॉक ट्रांसफ़र से मुराद ये कि आपने कब जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में अपना स्टॉक ट्रांसफ़र किया, तो वो शो कर रहा है कि आपने एक ही बार ऐसा किया। देखिए अगस्त के महीने में एक ही बार आपने ऐसा किया है, एक ही ऐसा वाउचर बनाया है, और कब बनाया है, 22 अगस्त 2021 को सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की बुक के हवाले से स्टॉक वाउचर बनाया था, 3 पीसेस के हवाले से बनाया था, ठीक है भाई। ये वाउचर शो कर रहा है कि आपने यहाँ से यहाँ यानी कराची से लाहौर में उसे ट्रांसफ़र किया था, ठीक है जी। अच्छा भाई, वापस आते हैं फिज़िकल स्टॉक रजिस्टर। फिज़िकल स्टॉक रजिस्टर मैंने बताया था कि जब आप फिज़िकली अपनी इन्वेंट्री को काउंट करते हैं और उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं तो आपने एक ही वाउचर बनाया है फिज़िकल इन्वेंट्री के हवाले से, और उसमें आपने फिज़िकल बुक्स शो की हैं अकाउंटिंग की, कितनी, 6 बुक्स को शो किया कि हमारे पास फिज़िकल रिकॉर्ड कितना है, वो 6 बुक्स का रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है भाई। इसके बाद मूवमेंट एनालिसिस, ये बड़ी अच्छी चीज़ है भाई। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारे एनालिसिस मौजूद हैं। वो कहता है स्टॉक ग्रुप एनालिसिस, स्टॉक ग्रुप हमने बनाया नहीं तो इसको चेक नहीं कीजिए, बेकार है। कैटेगरी एनालिसिस, कैटेगरी चेक करना चाहिए तो कैटेगरी चेक कर लीजिए, कौन सी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ बुक्स की कैटेगरी, तो बुक्स की कैटेगरी में वो आपको शो कर रहा है कि भाई 1 जनवरी 2021 से लेकर 23 अगस्त 2021 तक 2 चीज़ों में मूवमेंट हुई है, एक अकाउंटिंग की बुक में और एक स्टैटिस्टिक्स की बुक में। अकाउंटिंग की बुक 17 इनवर्ड हुई हैं, आई हैं, और 10 आपके पास से गई हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्स चेक करनी है तो इस पर आप क्या कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, इंटर कर दिया तो देखिए वो आपको डिटेल शो कर रहा है कि आपके पास 14 बुक्स जो है वो सप्लायर से आपने इनवर्ड खरीदी हैं, सप्लायर से आपने इनवर्ड यानी मूवमेंट इनवर्ड है इसकी आपके पास आई हैं। फिर आपके पास ट्रांसफर्ड इनवर्ड, आपके पास इनवर्ड एक जगह पर आई हैं, कहाँ आई थी, लाहौर में आई थी, 3 बुक्स आई थी 200 रुपये के हिसाब से।
मूवमेंट आउटवर्ड, आपके पास से जो बुक्स कहीं हैं सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की, वो तीन बुक्स आपने बायर को दिए, यानी तीन दफ़ा आपने बायर को दी, सॉरी तीन बुक नहीं, तीन दफ़ा आपने बायर को दिए। मिस्टर ए को आपने पांच बुक्स दी, मिस्टर बी को आपने तीन बुक्स दी, और मिस्टर वाई ने आपको एक बुक रिटर्न की थी, वापस की थी, ठीक है। एक बुक उन्होंने आपको रिटर्न की थी, आपको कन्फ्यूजन हो तो इस पर इंटर कर दीजिएगा, वो आपको दिखा देगा कि भाई ये मिस्टर वाई से एक बुक जो है वो रिटर्न हुई थी, इसकी डिटेल चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट हम कब बनाते हैं? जब कस्टमर हमें माल रिटर्न कर देता है, यानी सेल्स रिटर्न होती है, ठीक है भाई। और स्टॉक जर्नल में ट्रांसफ़र आउटवर्ड, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हुई थी, इनवर्ड हुई है और आउटवर्ड हुई है, तीन बुक्स, यानी एक जगह से गई है आउट हुई है, कराची से आउट हुई है और लाहौर में इन हुई है, तो वो दोनों जगह पर इसका रिकॉर्ड शो कर रहा है। तो इस सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के हमने जो है वो कैटेगरी एनालिसिस किया। अब स्टॉक एनालिसिस अगर आपको इसका करना है तो स्टॉक एनालिसिस पे जाइए, जिसका स्टॉक एनालिसिस करना है उस पर चलाइए। फॉर एग्जांपल मैं सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का करता हूँ, वही चीज़ शो करेगा जो वहाँ पे शो हो रहा था, ठीक है जी। तो आपकी मर्ज़ी कि आप कहीं से भी चेक कीजिए। ग्रुप एनालिसिस, ग्रुप हमने कोई क्रिएट नहीं किया। लेजर एनालिसिस, लेजर एनालिसिस अगर आपको चेक करना है, फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पर अब आप बोलेंगे सर ये मिस्टर ए तो रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल का इन्वेंट्री से क्या ताल्लुक है? तो देखिए जब आप अकाउंट रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि इन्वेंट्री से इसका ताल्लुक क्या है, कि आपने इनको दो बार ये दो बुक सेल किए हैं तो इसीलिए हमें इनसे इतने पैसे लेने हैं। तो रिसीवेबल का ताल्लुक इन्वेंट्री से इस हवाले से यहाँ पर शो कर रहा है कि इस इन्वेंट्री के अगेंस्ट आपको कितने पैसे किससे लेने हैं, ये बुक ये शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये है लेजर एनालिसिस। ट्रांसफ़र एनालिसिस के आपने कब ट्रांसफ़र किया है, उसके लिए आप स्टॉक जर्नल बनाते हैं, तो आपने सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की बुक ट्रांसफ़र की है, ठीक है भाई, गुड्स इन गुड आउट ये आपको मालूम है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब है एजिंग एनालिसिस, छोड़ दीजिए भाई क्या है, वो ये बता रहे हैं कि भाई किस माल को रखे हुए आपके पास कितने दिन हो गए, ख़रीदे हुए कितने दिन हो गए, तो कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक को लिए हुए अभी हमें 45 दिन से कम ही हुए हैं, 24 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हमारे पास रखी हुई है। नेस्ले जूस के 15 पैक रखे हुए हैं जिसे लिए हुए 90 से 180 दिन हो चुके हैं, 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया भाई, से सोच लो इसके बारे में। पेंटीन की 2 बॉटल्स रखी हुई हैं और इसको लिए हुए कि भी 90 से 180 दिन हो गए, इन सब को लिए हुए 90 से 180 दिन का टाइम गुजर चुका है, तो भाई इनके बारे में थोड़ा सा गौर और फिक्र कर लीजिए, बहुत टाइम हो गया, कब से रखा हुआ ये माल, ठीक है जी। बाकी चीज़ें जो है वो आपने अभी अभी इसको कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपने अभी 24 दिन ही, इसको 45 दिन से कम ही का टाइम गुजरा अभी, चेक कर लीजिए इसकी डिटेल। तो ये आपने अगस्त के महीने में परचेज़ की, अगस्त के महीने में अभी अभी आपके पास ये माल आया है, इसीलिए इसको लिए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है भाई। अच्छा भाई ये आपकी डिटेल शो रही, ठीक है भाई, ठीक। तो ये आपके पास जो है वो एजिंग एनालिसिस शो हो रहा था, इन्वेंट्री बुक्स यहाँ पर कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स को चेक करना भी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों के साथ मुलाकात करेंगे आपके साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।